हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, यानी कि साइक्लोएल्केन्स को कौन कौन से मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन व्हाट विल वी फॉर्म? साइक्लोएल्कीन। इस रिएक्शन में साइक्लोएल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर ये जो एल्कीन है, एल्कीन रिएक्ट करेगा 1.3 ब्यूटाडाइन के साथ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रखा है ये इथाइलीन, और ये इथाइलीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1.3 ब्यूटाडाइन के साथ। तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइक्लोएल्कीन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? ये मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये क्या है? ये है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH। ये हमने क्या किया है, ये इस वाले को हमने यहाँ पर ये ओपन करके लिख दिया। तो ओपन करके जो साइक्लोहेक्सीन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दिस रिएक्शन क्या हुआ है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो इथाइलीन है उसको ट्रीट किया गया है 1.3 ब्यूटाडाइन के साथ। तो क्या हुआ है, हमें मिला है साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पर होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें चाहिए क्या था? साइक्लोएल्कीन। सो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन का। तो ये है फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर लेंगे ये साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो क्या होगा यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहलिक KOH के साथ, इसको हीट करेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइक्लोपेंटीन, हमें मिलेगा यहाँ पर ये वाला साइक्लोपेंटीन। ये क्या है? ये है साइक्लोपेंटीन, हमें यहाँ पर साइक्लोपेंटीन मिलेगा। और यहाँ पर होगा KBr प्लस वाटर। तो ये है हमारा सेकेंड मेथड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेंगे हम साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, उसको हीट करेंगे। तो हमें मिलेगा साइक्लोपेंटीन प्लस KBr प्लस वाटर, यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पर, साइक्लोएल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। और फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था डाइल्स एल्डर रिएक्शन, उसमें क्या किया था, उसमें इथीन जो एल्कीन थी उसकी रिएक्शन करवाई थी 1.3 ब्यूटाडाइन के साथ। तो वहाँ पर हमें मिला था साइक्लोहेक्सीन। आई होप कि आपको दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।